नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइफ स्ट्रीज को। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके शरद यादव बाहर निकल चुके हैं और तीन बड़ी बातें उन्होंने बताई हैं। हम जानते हैं वो तीन बड़ी बातें, आप जानना चाहते होंगे क्या कुछ लालू प्रसाद यादव से मिलकर के डिस्कस किया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे पहले के समय से ही ये लगातार खबरें निकल के आ रही हैं कि महागठबंधन को लेकर बातें होंगी लालू प्रसाद से, किससे कितनी सीट मिलनी चाहिए इस पर भी बातें होंगी। लेकिन नहीं, ये तीन बातें नहीं है, वो तीन बड़ी बात कौन सी है सुनिए जरा शरद यादव खुद क्या बता रहे हैं। एक भरसक था स्वास्थ्य का भी जी, और इतना ही है, थोड़ी बहुत जो बात होती है राजनीति जी, बाकी तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा। सर थोड़ी बहुत बात क्या हुई राजनीति के स्थान पे, थोड़ा वो सारा गठबंधन की बात हो रही सब जगह देश भर में जी, देश भर में भी बातचीत कर रहे हैं। और बिहार के मामले में लालू जी से बात करना जरूरी है, तो देश के मामले में ज्यादा हमारी बात होगी। क्या हुई सर देश के, यानी जो हालात है देश के, उसमें जो सरकार है एनडीए की, मोदी और अमित शाह की, तो इस सरकार के रहते देश की बेकारी, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, यानी ऐसी तबाही के दौर में देश है, इन्हीं सवालों को पीछे किया जा रहा है। और जो आंतरिक सुरक्षा है वो पहली जरूरत है, वो भी बाहर का आतंकवाद से लड़ाई जितनी जरूरी है उतना आंतरिक सुरक्षा भी। जो पुलवामा में जो लैप्सेस हुए हैं, एक तरह से जो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, इंटेलिजेंस जो है वो देश का है, आपका राज्य सरकार आपका फौज का इंटेलिजेंस घुस गया है, जितना इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर में है उतना कई देश में है। अरे देखो ना, हमको दबा रहा है सब। जो आंतरिक सुरक्षा के चलते जो लैप्स हुआ है और 24 लोगों की शहादत हुई है, तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होना चाहिए, इस पर इस देश में बहस नहीं हो रही है। बाकी आतंकवाद से लड़ाई आज की नहीं है, बरसों से हमारा देश लड़ रहा है। सर जी, माना जा रहा है कि मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है एयर स्ट्राइक के बाद, ये सवाल जो आप कर रहे हो, समय आने दीजिए इस सरकार को और सरकार के सारे काम, चाहे मॉब लिंचिंग हो, गाय के नाम पर हो, और जो वादे हैं, एक भी 42 वादे इनने किए थे, एक वादा भी आज तक इस सरकार ने पूरा नहीं किया। फौज के आड़, फौज तो जो है वो स्टेट की है, उसके पीछे छुप करके राजनीति हो सकती है, वो आज नहीं तो कल देश को समझाने का काम हम लोग कर देंगे। इन तीनों बातों से आपको कहीं ना कहीं ये लग गया होगा कि लालू प्रसाद यादव को देश की चिंता है, ये एक बड़ी बात निकल के आई है। साथ साथ आंतरिक सुरक्षा मामलों को लेकर भी अंदर बात हुई है, ताकि जनता को किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है ऐसा आरोप लगाया गया है शरद यादव द्वारा, उससे भी जनता को बचाया जाए। और आने वाले समय में शरद यादव लालू प्रसाद यादव से बात करके जब निकल चुके हैं तो वह लोगों को बताएंगे, मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन ये तीन बड़ी बातें जो शरद यादव ने अभी बताई हैं, ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है लालू प्रसाद यादव से। इन तीन बड़ी बातों पर चर्चाएं हो चुकी हैं, आने वाले समय में जब राजनीति बदलेगी, राजनीति होगी लोकसभा चुनाव के समय, तो इन तीन बड़े मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि एयर स्ट्राइक हो चुका है पुलवामा अटैक के बाद और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई हैं रिम्स अस्पताल के अंदर। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है रांची के रिम्स अस्पताल से। लाइव स्ट्रीम के साथ आप बने रहें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।